क्या उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हुए तो किसकी होगी जीत? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से बनेंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री या फिर अखिलेश यादव या कोई और बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 403 विधानसभा सीट के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार के बाद यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हुआ है। इस ओपिनियन पोल के जरिए जानने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आज के दौर पर देखा जाए तो किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या इंडिया गठबंधन मिलकर योगी को हरा पाएंगे या फिर अखिलेश अकेले दामन ठोकेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की छवि कायम है उत्तर प्रदेश में या फिर नहीं? आइए जानते हैं एक एक करके उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमीरपुर से। हमीरपुर में दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, दो में से बीजेपी खाते में एक और सपा खाते में एक सीट, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट आती है, 10 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, बसपा खाते में 0। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आजमगढ़ में टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टी को 5-5 सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 में अब तक 16 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए जानने को मिलेगा कि बीजेपी खाते में 7 और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 8 सीटें, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। मुरादाबाद की। जी हाँ दोस्तों, मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट आती है, 6 में से 2 पर बीजेपी, सपा खाते में 3 सीटें, बसपा खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। 22 में से 9 पर बीजेपी, सपा खाते में 11, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। फतेहपुर की। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीट आती है, 6 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। बीजेपी खाते में 12 सीट, सपा खाते में 13 सीट। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को अच्छी खासी लीड मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर अटकती भटकती दिखाई दे रही है। बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो हाजीपुर की। हाजीपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके यानी कि ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी खाते में 19, सपा खाते में 13, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। हाथरस की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बाकी 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। मेनपुर की। मेनपुर में 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 42 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इसमें बीजेपी खाते में 24 सीटें, 14 सीट पर समाजवादी पार्टी, बसपा खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट या अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा यहाँ पर काबिज हो सकती है, कांग्रेस पार्टी का तमें 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 49 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। बीजेपी खाते में 27, 17 पर सपा, बसपा खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मिर्जापुर की। मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीट है, 5 की 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए यहाँ पर बीजेपी खाते में 32, सपा खाते में 17, बसपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बुलंदशहर की। 7 विधानसभा सीट आते हैं, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर
सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाता में 0, अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट। आगे बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 3 की 3 सीटें। सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ पर सूपड़ा साफ हो सकता है। मथुरा की जिया दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 की 5 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी यहाँ पर काबिज हो सकती है। सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा सीट का सटीक ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के जरिए आप जान पाएंगे 46 सीटों पर बीजेपी, सपा खाते में 18, बसपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, एक सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं देवरिया की। देवरिया में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 पर बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, सपा खाते में 2 सीट, बसपा खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट। मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। शाहजहापुर की। शाहजहापुर में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 3, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बात कर ली जाए आगरा की, 9 विधानसभा सीट है। 9 में से बीजेपी खाते में 7, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बदायूं जिले की। बदायूं जिले में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में 5 विधानसभा सीट आती है। 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 108 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल में 68 सीट पर बीजेपी, 29 सीट पर सपा, बसपा खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। गाजियाबाद की। गाजियाबाद में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0। बात कर लेते हैं अमरोहा की। अमरोहा में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। चित्रकूट की। चित्रकूट में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से 2 सीट पर बीजेपी, बाकी सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ पर सूपड़ा साफ। मेरठ की। मेरठ में 7 विधानसभा सीट आती है। 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 5 सीटें, सपा खाते में 1 सीट, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बात कर ली जाए उन्नाव की। 6 विधानसभा सीट है। 6 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 141 विधानसभा सीट का सटीक ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी खाते में 93, सपा खाते में 33, बसपा खाते में 9, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 सीटें, बसपा कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहां पर सूपड़ा साफ। और बात कर लेते हैं लखीमपुर की। 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 5 पर बीजेपी, सपा खाते में 2 सीट, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 152 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी खाते में 101, सपा खाते में 35, बसपा खाते में 10, 5 पर कांग्रेस, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। हरदोई की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 5 पर बीजेपी, सपा खाते में 3, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। संभल की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। अयोध्या की 5 विधानसभा सीट है। 5 के 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। बसपा कांग्रेस और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद पर यहां पर अयोध्या में 5 के 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बहराइच की। बहराइच की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बरेली की। बरेली में 9 विधानसभा सीट आती है। 9 में से बीजेपी खाते में 6, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। और बात कर लेते हैं चंदौली की। 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बलरामपुर की। बलरामपुर में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। मोकी। मोकी 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। सीतापुर की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहां पर 8 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी
पड़ेगा तुम्हें जीरो, अदर पार्टी का तुम्हें जीरो जीरो सीट। सुल्तानपुर की, सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी का तुम्हें 2, सपा का तुम्हें 3, बसपा का तुम्हें 0, कांग्रेस पार्टी का तुम्हें 0, अदर पार्टी का तुम्हें 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 211 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पूरा आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का तुम्हें 143 सीटें 48 सीट पर, सपा बसपा का तुम्हें 11 8 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी का तुम्हें 4, सपा का तुम्हें 3, बसपा का तुम्हें 0, कांग्रेस पार्टी का तुम्हें 0, अदर पार्टी का तुम्हें 0 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीट आती है, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर सपा, बसपा का तुम्हें 0, कांग्रेस पार्टी का तुम्हें 0, अदर पार्टी का तुम्हें 0 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से सभी चारों की चारों सीट पर बीजेपी क्लीन स्वीप, सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ। शामली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीट, सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ। श्रावस्ती की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 2 पर बीजेपी, 0 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कन्नौज की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीट है, तीनों ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है, बसपा खाते में 0, बसपा सपा कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ। बिजनौर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, 1 पर कांग्रेस, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। रायबरेली की, रायबरेली में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट आ सकती है। पीलीभीत की, पीलीभीत में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बस्ती की, बस्ती में 5 विधानसभा सीट आती है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। अमेठी की, अमेठी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। महोबा की, महोबा में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 1, सपा खाते में 1 सीट। भदोही की, भदोही की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट, बसपा कांग्रेस के खाते में 0 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। बाकी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 293 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी खाते में 206, सपा खाते में 62, बसपा खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 11, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 9 पर बीजेपी, सपा, बसपा के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 12 सीट पर बीजेपी एक सरपा जीत हासिल कर सकती है, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। बागपत की, बागपत में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। जालौन की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। ओरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। लखनऊ की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर सपा, बसपा कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ। ललितपुर की, ललितपुर में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट आती है, 6 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1 सीट जा सकती है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। एटा की 4 में से 4, 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बसपा कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ। गोंडा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 6, सपा खाते में 1 सीट, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 7 की 7 सीटें, सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ। बांदा की, बांदा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हापुड़ की, हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। सोनभद्र की, सोनभद्र में 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कौशाम्बी, कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बाकी सब 0 पर। रामपुर की, रामपुर में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से बीजेपी खाते में सभी 9 की 9 सीटें, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। वाराणसी की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में सभी 8 की 8 सीटें, सपा बसपा कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्य
मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार चुने जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी 403 विधानसभा सीट में से 300 सीट के साथ प्रचंड बहुमत ला सकती है। 76 सीटों पर सपा, बसपा खाते में 14, कांग्रेस पार्टी खाते में 12, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि कौन सी पार्टी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, अभी 3 साल ही बाकी रहे, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या 3 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार बनी रहेगी या फिर नहीं, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा।